बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग अपने मोबाइल में कुछ भी नहीं करते हैं और हमारा सारा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, या फिर हम लोग दो या तीन यूट्यूब वीडियो को देखें और सारा इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते हम लोगों का इंटरनेट बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा 5 अच्छे तरीके जिसकी मदद से आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ जरूर फायदा होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए, हमारे फ़ोन में इंटरनेट जल्दी ख़त्म होने का 5 कंडीशन है। सबसे पहला जो कंडीशन है, इसको बंद करने के लिए आपको जाना होता है यूट्यूब में। यूट्यूब में जाने के बाद आपको लोगो पर क्लिक करना है और एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और वीडियो क्वालिटी पर फेयरबैंक पर जाइएगा तो आपके फ़ोन में ऐटो रिकमेंडेड पर आपको सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसे आप डाटा सेवर पर आपको क्लिक करना है और नीचे एक व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर डाटा सेविंग मोड को इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा बचेगी और आप YouTube वीडियो को देखिएगा तो आपका इंटरनेट बहुत ही कम मात्रा में खत्म होगी, ठीक है। तो आप पहला कंडीशन में इसे इनेबल कर लीजिएगा। दूसरा जो कंडीशन है, उसके लिए आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट उनका ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक लाइट मोड का ऑप्शन दिखाई देता है, इसे इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। इसे इनेबल करने के बाद क्या होगा कि आपका इंटरनेट बहुत ही कम खत्म होगी और आपका रिजल्ट जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो आप लाइट मोड को भी इनेबल कर लीजिएगा, क्रोम से आपका इंटरनेट बचने की ज़्यादा संभावना होती है। तो देखो, तीसरा जो कंडीशन है वह हमारे व्हाट्सएप में ज़्यादा इंटरनेट ख़त्म होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको व्हाट्सएप में जाना है, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, सेटिंग पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टोरेज एंड मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा कि आपका मीडिया ऐटो डाउनलोड में जाकर देखिएगा तो वेन यूजिंग मोबाइल डाटा पर आप दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट सारा आपको टिक जो आपको दिखाई देगा, ये सारे को आपको अनटिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है और नीचे देखिएगा तो मीडिया वीडियो क्वालिटी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाकर आपको डाटा सेवर को इनेबल कर ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब भी कोई फ्रेंड वीडियो या फिर मैसेज भेजता है तो वह ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी और आप चाहें तभी उसे मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे भी आपका इंटरनेट बचने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो एक बार इसे भी इनेबल जरूर कर लीजिएगा। चौथा जो कंडीशन है वह है गूगल प्ले स्टोर, और गूगल प्ले स्टोर में आपका इंटरनेट रातों रात ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको बंद करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको लोगो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप्स डाउनलोड परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रहा है इसे तो रहने दीजिए, लेकिन ऐटो अपडेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और आपको डोंट ऐटो अपडेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके डन कर दीजिए। इससे हो गया क्या कि जब भी कोई ऐप्स में अपडेट आएगा तो अगर आप चाहेंगे तभी अपडेट होगा, ठीक है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वह अपडेट नहीं होगी, आप चाहें तो मैन्युअली उसे अपडेट कर सकते हैं। तो चौथा कंडीशन में प्ले स्टोर था, इसे ज़रूर बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपका इंटरनेट रातों रात ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, पांचवा जो कंडीशन है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है डाटा यूसेज, ठीक है। डाटा यूसेज सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स होगी सारे यहाँ पर आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप को यूज करता हूँ तो व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि एक बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन जो है चालू है। इससे क्या हो रहा है कि हम अगर कोई भी ऐप्स को यूज कर रहे हैं या फिर हमारा इंटरनेट चालू है तो व्हाट्सएप हमारा इंटरनेट हमेशा ले रहा है, ठीक है, चाहे आप यूज कीजिए या फिर ना कीजिए। तब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन जो है इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट भी है जैसा कि फेसबुक है तो मैं इसे भी बंद कर दूंगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि इसका भी परमिशन चालू है तो मैं इसका भी बंद करूंगा। यूट्यूब स्टूडियो है तो मैं इसे भी बंद कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये बैकग्राउंड में न चले। तो इस तरीका से सारे परमिशन को आपको बंद करने होंगे। बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन होता है जिसमें आपको सारे एप्लीकेशन का परमिशन को नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीका से आप अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वह भी कमेंट में ही बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।